अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, पायलट और गहलोत को शाह ने घेरा, देखिए भरतपुर की धरती से क्या कहा। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के भरतपुर पहुंचे, जहां अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने तंज भरे अंदाज में राज्य के सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के अंदरूनी कलह को सबके सामने रखते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी घेरा। बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार से कांग्रेस का खजाना भरा है। पायलट जी, आपका नंबर नहीं आएगा, जमीन पर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन आपसे ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी, अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक खामखा झगड़ा कर रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन शायद जमीन पर थोड़ा गहलोत जी से ज्यादा हो सकता है, मगर कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका नंबर नहीं लगेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन लोगों ने राजस्थान को लूटने का काम किया है, एक गहलोत सरकार। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में देश के चप्पे चप्पे पर बीजेपी का निशान, बीजेपी का झंडा और बीजेपी की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी राहुल बाबा ने बड़ी यात्रा की, देश भर में पैदल चले, लेकिन इतनी बड़ी यात्रा करके आए और कांग्रेस जैसे गढ़, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। देश के चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। अभी अभी राहुल बाबा ने बड़ी यात्रा करी, देश भर में पैदल चले, अच्छा ही किया। मगर मैं एक पत्रकार सम्मेलन में गया तो पत्रकारों ने पूछा कितनी बड़ी यात्रा कर आए, नतीजा क्या होगा। मैं कोई इतनी बड़ी यात्रा कर आए, कांग्रेस के घर जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। सुना अपने अपने तंज भरे तेवर से अमित शाह ने कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार किया, वहीं चुनावी रण में बीजेपी को बड़ी ताकत बताते हुए जनता से वोट की अपील भी की। इस खबर में अभी इतना ही, आप बने रहिए बन इंडिया के साथ।